सही से बन बन मर का आ, तुम नौवा हो छत्तीसा हम बाबना है जाना। तो ब्राह्मण कथावाचक ने भरे मंच पर किया नई समाज का अपमान। मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, नाऊ ही का। जब हम बैठे तो नाऊ ना हुई रे, पंडित पंडित रे। नाई श्रद्धालु को कहा, ब्राह्मण तुमसे बड़े हैं। तुम नौवा हो छत्तीसा हम बाबना है जाना। तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बाबान का दम से बैठ जाओ। नाई समाज के भक्त को मंच पर बनाया मुर्गा। सही से बन बन मुर्गा, तुम नौवा हो छत्तीसा हम बाबना है जाना। तो ये तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे हिंदू धर्म में जाति के हिसाब से खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानने की घटिया सोच आज भी बदस्तूर जारी है। मंच पर बैठा ये कथावाचक खुद को जन्म के कारण सबसे बड़ा मान रहा है और जो भक्त इसके चरणों में आया है उसे ये छोटी जात का कह रहा है। भैया जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? हम एक थप्पड़ दें झूठ बोले तो? हाँ तो मैं घटक पास में बोलो क्या बात है? कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति नाऊ नाऊ। हमने कहा रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है। पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है जी। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडों का सरकार की जय हो। और ये देख दिमाग लगाइए कि रोहित कुमार नाऊ ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मात्र आशीर्वाद चाहता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाला कथावाचक पंडोकर सरकार नाम से अपना दरबार लगाता है। जब नाई जाति का ये श्रद्धालु रोहित उसके पास आया तो उसने भरे मन से ना सिर्फ उसको बेइज्जत किया बल्कि सबके सामने उससे मुर्गा भी बना दिया। क्योंकि आपने सोचा देखते हम देख लेते गुरु महाराज का लिखे है ना, टेस्ट कर रहे थे ना। हां सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, लाओ गई का। सही से बन बन मुर्गा, तुम नौवा हो छत्तीसा हम बाबना है जाना। तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं, बाबान का दम से बैठ जाओ। आओ जब हम नहीं रहे तब छत्तीस की चलत, जब हम बैठे तो नाउ ना हुई रे, पंडित पंडित रे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हजारों लोग अरस पंडोखर बाबा हैशटैग चला रहे हैं और इस बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस वीडियो से स्पष्ट है कि धर्म की आड़ में इस तरह के पाखंडी कथावाचक एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, जिनका तुम अपमान कर रहे हो ये महापद्मानंद और जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं। जिस दिन इनको ये बात समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हारी दुकान का शटर भी डल जाएगा। धिक्कार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, जिनके राज में न सिर्फ ये जातिवादी फल फूल रहे हैं बल्कि बहुजन पिछड़ों को अपमानित भी कर रहे हैं। संविधान जाति धर्म वंश लिंग के भेदभाव को नकारता है, इसलिए ऐसे पाखंडियों का स्थान कथा पंडाल नहीं जेल है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम नाई सेन सविता नंदवंश के अपने भाइयों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें पंडोकर सरकार का असली नाम गुरु शरण शर्मा है और ये एमपी में अपना दरबार लगाता है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने लिखा, सेन नाई नंदवंशी समाज के सम्मान में सामाजिक न्याय के सभी समर्थकों को समर्थन करना चाहिए। इस समाज ने हमें महापद्मानंद जैसे अजय योद्धा, कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक और करुणानिधि जैसे विकास पुरुष दिए हैं। पंडोकर की हिम्मत कैसे हुई अपमानित करने की? वहीं नंद समाज नाम के हैंडल से ट्विटर पर लिखा गया, पंडोकर सरकार पाखंडी पिछड़ों का अपमान करना बंद कर वरना तेरी दुकान बंद हो जाएगी। शायद तुझे ये पता नहीं जिस दिन ओबीसी एससी एसटी जागरूक हो गए तो तेरी आने वाली पीढ़ियों को भीख मांगनी पड़ेगी। अब पंडोकर सरकार यानी गुरु शरण शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर तो अरेस्ट पंडोकर बाबा ट्रेंड कर ही रहा है, अब सड़क पर भी उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं उसका पुतला फूका जा रहा है तो कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मेहनत कर समाज को नीचा दिखाने वाले गुरु शरण शर्मा के खिलाफ अब नाई सेन नंद समाज ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरह के जातिवाद करने वाले गुरु शरण शर्मा की गिरफ्तारी होती है या नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।